वेलकम टू माय चैनल फैशन वर्ल्ड माय स्टाइल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छी हो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ मेडी ड्रेस जो कि मैंने बनाए हुए हैं। आप चाहो तो आप अपने टेलर से ऐसी ड्रेस बनवा सकते हो, या फिर अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप अपने घर में भी ऐसी ड्रेसेस बना सकते हो बहुत ही इजीली। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज मुझे फॉलो करें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के साथ तो ब्लैक मिडी ड्रेस शेयर करने वाली हूँ। दिस इज माय फर्स्ट ड्रेस, दिस इज माय सेकंड ड्रेस एंड दिस इज माय थर्ड ड्रेस, जो कि तीनों ही ब्लैक कलर के हैं। मुझे दिस इज माय फर्स्ट इजी ड्रेस, तो ये फुल्ली हैंडमेड है, तो आप देख सकते हो कुछ ये इस टाइप की ड्रेस है। बहुत ही शॉर्ट मैंने इसे बनाया हुआ है, तो इस टाइप की कुछ ड्रेस है। ये मैंने रेयॉन का कपड़ा लिया, उसके बाद से मैंने इस तरह की मिडी ड्रेस बनाई है। उसके बाद मैंने इस तरीके से ब्लॉक पेंटिंग की है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मुझे ब्लॉक पेंटिंग करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप प्लेन सी कोई कुर्ती ले लो, कोई ड्रेस ले लो, कोई साड़ी ले लो, तो आप उससे इस टाइप से ब्लॉक पेंटिंग कर सकते हो। अगर आपने मेरी ब्लॉक पेंटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करें। और ये मिडी ड्रेस मैंने कैसे बनाई है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करें। मैंने इसे अम्ब्रेला में कट करके बनाया था। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया था, बट मुझे बहुत छोटी ड्रेस बनानी थी, वो 2 मीटर में ही बन गई थी। तो इस तरह की ड्रेस आप 2 मीटर में बना सकते हो। मैंने पीछे एकदम प्लेन किया हुआ है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। फ्रंट में आपको इस तरह से ब्लॉक पेंटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने जो स्लीव रखी है वो मैंने एल्बो से ऊपर तक की रखी है, और जो इसके नीचे मैंने जो नीचे की मैंने कटिंग की है वो मैंने अम्ब्रेला में की है। तो इस तरीके से ऐसी फ्रिल वाली ड्रेस, अम्ब्रेला ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इस तरीके से मैंने नीचे की साइड में ये पीको किया हुआ है, इसमें मैंने कोई तार नहीं डाला है, बस ऐसे ही सेम कलर के थ्रेड से मैंने पीको कर दिया है। ऐसी मिडी ड्रेस आप चाहो तो जॉर्जेट फैब्रिक में बनवा सकते हो और रेयॉन फैब्रिक में बनवा सकते हो। इसकी पिक्चर जरूर इंसर्ट करूंगी, जैसे आप देख सकते हो कि ये देखने में लुक कैसा आ रहा है इसका। दिस इज माय सेकंड ड्रेस, अगेन ये ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। और ये है कुछ इस टाइप से ड्रेस। तो ये ड्रेस कुछ इस टाइप से है। तो स्टार्टिंग में इसके कॉलर से करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पीटर पैन कॉलर यूज किया था, प्लस यहाँ मैंने टक्स दिए थे और यहाँ पे मैंने बॉक्स स्लीव दी थी। तो इस तरीके से मैंने ये ड्रेस बनाई थी। तो मैंने पीटर पैन कॉलर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉलर दे सकते हैं, राउंड कॉलर दे सकते हैं, स्ट्रेट कॉलर दे सकते हैं, या फिर कोई भी कॉलर दे सकते हैं, या फिर आप बिना कॉलर के भी इसे बना सकते हैं, नेक में भी आप इसे बना सकते हैं और बना सकते हैं, जो बहुत अच्छी लगती है। राउंड ये बॉडी पार्ट है और ये मैंने प्लेन रखा है। यहाँ पे मैंने टक्स का यूज किया है जिससे इसका लुक बहुत अमेजिंग आता है, और यहाँ मैंने ढेर सारे टक्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से बॉक्स स्लीव दिया है। आप चाहो तो बॉक्स स्लीव को ना यूज करके एक सिंपल सा प्लीट दे सकते हो, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आपका जो आपको डिजाइन पसंद आए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऊपर की फैब्रिक जो मैंने यूज की है, ये मैंने कॉटन सिल्क यूज किया है, और अंदर की साइड में मैंने लाइनिंग इसकी कॉटन की दी हुई है, और नीचे के पार्ट में मैंने इस तरह से नेट लगाया हुआ है, ब्लैक कलर का सिमिलर नेट लगाया हुआ है। इस तरह का नेट आपको इजी मार्केट में मिल जाता है। ये जो मैंने नेट लगाई है इस पे थ्रेड वर्क बन हुए हैं, और इसके नीचे जो मैंने लाइनिंग यूज की है, इसके नीचे का मैंने जो फैब्रिक यूज किया है वो भी मैंने ब्लैक कलर का यूज किया है, और थोड़ा सा हार्ड फैब्रिक यूज, और इसको मैंने इस तरह से पीको कर दिया है सेम कलर के थ्रेड से, और नेट को मैंने इस तरीके से मोड़ दिया है। तो और
और मैंने पीछे की साइड में ये साइड में इस तरीके से चैन दिया हुआ है जिसको आप ओपन कर सकते हैं और पहनने में आपको काफी इजी रहता है। चैन वाली ड्रेस में क्या होता है, फिटिंग बड़ी अच्छी आती है, तो आप ऐसी ड्रेस अपने लिए बनवा सकते हैं। थर्ड मिडी ड्रेस, ये ड्रेस आपने पहले भी देखी है। इस ड्रेस को मैंने स्टाइल किया था अपने वैलेंटाइन डे लुक पे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करें। तो ये ड्रेस कुछ इस टाइप की है। इस ड्रेस को मैंने डबल लेयर में बनाया हुआ है, मैं आपको लेयर दिखाती हूँ। इस ड्रेस को मैंने इस तरह से डबल लेयर में बनाया हुआ है, ये आपका फर्स्ट लेयर है और ये आपको सेकंड लेयर मिल जाता है। ये वाली मेरी थोड़ी लॉन्ग मिडी ड्रेस है, ये नी के नीचे तक आती है। इसका फैब्रिक भी मैंने कॉटन सिल्क में लिया हुआ है। नेक पे मैंने कुछ इस तरह से कट लगाए हुए हैं, तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन दिया हुआ है नेक पे। आप चाहो तो ऐसी ड्रेस बनवा के यहाँ पे आप भी इसमें करवा सकते हो, बट यहाँ पे मैंने सिंपल सी ड्रेस बनाई थी इस वजह से मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैंने राउंड नेक दिया हुआ है फ्रंट साइड एंड बैक साइड में, और यहाँ की जो मैंने स्लीव दी हुई है वो कुछ इस टाइप की है। इस टाइप का फैब्रिक आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। और ये मैंने फुल स्लीव बनाई है। यहाँ पे मैंने फ्रंट में टक्स दिया हुआ है एंड बैक में भी मैंने इस तरह से टक्स दिए हुए हैं। उसके नीचे की जो मैंने लाइनिंग यूज की है वो मैंने क्रेप में यूज की है। तो आइए चलिए इसका भी हम ट्रायल देख लेते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take care. Thanks for watching.